ये देखिए जी फ्रेंड्स, हमारी डॉली जी ने दीवार को शीशा बना लिया है। बगैर शीशे के ये हेयर स्ट्रेटनिंग कर रही है। हाँ, तो उसमें शीशे की जरूरत क्या है, प्रैक्टिस है इतनी। अच्छा, क्यों शीशे की जरूरत नहीं होती हेयर स्ट्रेटनिंग में? ना, ना, नहीं होती है, होती है, पर मुझे नहीं है फिलहाल। ओहो, वाह जी वाह। मतलब मेरे ख्याल से दिन में दो चार बार तो स्ट्रेटनिंग कर ही लेती हो ना? मतलब जब भी हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद मुझे चाहिए। अच्छा, चाहिए तभी आपको इतने। उसी के बाद मेरे को वीडियो शूट वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत ज्यादा पसंद। आई लव माय हेयर। देखिए फ्रेंड्स, हमारी डॉली को कितनी प्रैक्टिस हो गई है यार, बगैर बगैर शीशे के ये पूरे अपने हेयर को स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ। कर्ल्स भी बना लेती हूँ, कर्ल्स बना के देखो। मतलब मिरर की कोई जरूरत ही नहीं आपको? ना ना ना, ये देखो, इसको कहते हैं तजुर्बा। नहीं तो आपको मिरर की, आप मेरी आंखों में देख लिया करो, आपको दिख जाएगा करेगा सब कुछ। स्वामी देखो, कर्ल्स बना के दिखाऊं। ये देखो जी, वो हमारी डॉली जी बना रही है कर्ल्स विदाउट मिरर। ये देखो, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। वाओ, ग्रेट प्रोफेशनल कर्ल। अच्छा, ये देखो, ये हमारे साथ। हाँ, क्या मम्मा, अगर बताओ इंडिया की लड़कियां क्या करती हैं? पहले दीवार की तरफ अपने ऐसे हेयर करती है और देखते खराब तो नहीं, बार बार ऐसे शीशे में देखते जाती हूँ। आगे लड़कियां, इंडिया की लड़कियां। ये सब यूट्यूब मोबाइल का करिश्मा है गाइस। बच्चों को पूछ लो कुछ भी, देखिए मेरे बेटे कहाँ से सीखी है, कह मम्मा यूट्यूब से। अब इसको अच्छा बोल लो गलत। अच्छा चलो चलो, ये ब्लॉगिंग में आपको टिप्स तो दे दो। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ भी यार, आप इसमें हमारे बहुत सी सब्सक्राइबर्स फीमेल भी हैं, ज्यादातर तो शायद फीमेल ही है हमारी सब्सक्राइबर्स, आपकी बदौलत। तो कोई टिप्स दे दो। मैं एक कर्ल्स आपको बना के दिखा देती हूँ बहुत ही इजी वे में। इस तरीके से आपको फिंगर से पतले पतले से पार्टीशन आपको लेने हैं, और आपको इस तरीके से एक दो बारी आपको प्रेसिंग ऊपर से करनी है, क्योंकि ऊपर से एकदम नीट एंड क्लीन लगे। और इस तरीके से अपने हाथ को दो बारी ट्विस्ट करें, और ये इस तरीके से ऐसे ही नीचे आ जाए, और इस तरीके से इसको ट्विस्टिंग करते हुए अब आपने एक मेरा कर्ल्स बनवा दिया। मेरे को कर्ल्स करने नहीं थे, मुझे बस अभी स्ट्रेटनिंग करनी थी हल्की सी। अब मुझे पूरे अपने बाकी बालों में कर्ल्स करने पड़ेंगे। बस बेटा, पर मैं बस, इसको बस, हटा भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कर्ल्स नहीं करने, थोड़ी सी मुश्किल आएंगी, पर कोई बात नहीं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है जी। आपके व्यूअर्स के लिए मैंने एक छोटी सी टिप दे दी है। थैंक यू सो मच। मुझे तो फोर ही दिखे। ओ वो देखिए, वो देखिए, एक बार और देखिए, सिक्स है, सिक्स है, पूरे सिक्स है, सिक्स है। और ये सिद्धि की स्लीपर भी उतर गई है। हाँ, क्या पूरा बोलो। हवा से अपनी चप्पल ना उड़ा लिया जाए। वाह जी वाह, ये अपनी मम्मा से भी ज्यादा गप्पी निकली। इनकी मम्मा तो गप मारती मारती है, उससे बड़ी छोड़ू निकली। वाह, पर तुम्हें तो दिखाऊं लिया है, क्योंकि हमारे बच्चे आवाज से बड़ा डर रहे हैं। ये आ गए, आ गए, आ गए। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? पीछे 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 पीछे। निकल गए। 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर दो। आ गए, आ गए, आ गए, उधर से आ रहे हैं। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ये थोड़े बादल भी हो रखे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, आंसू दिख रहे हैं बड़े दिनों के बाद। आ गए, आ गए, आ गए। कहाँ से आए हैं गाइस, हमें बताओ कहाँ से आ रहे हैं। आवाज सुनाई दे रही है। अब जा रहे हैं। स्वामी ने मारी छलांग। ये हेलीकॉप्टर की तरह से स्वामी।
ने मारी छलांग। हमने ये रख रहे एरोप्लेन के वजह स्वामी जी ने मारी छलांग। बच्चों के साथ जी आज हम भी बच्चे बन गए हैं। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता। एक टाइम था मतलब 26 जनवरी का इंतजार रहता था, बहुत ज्यादा इंतजार रहता था, 4-6 दिन पहले मतलब ये सब एक्टिविटी होने लग जाती थी। अब भी वही टाइम दोहराया जा रहा है। बेटा धीरे बोलो, धीरे धीरे। फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं दूसरे रूम में शिफ्ट, क्योंकि हमारे रूम में तो डॉली जी दे रही है मेकअप के ट्यूटोरियल्स। अभी बज गए हैं 4, तो जी डॉली जी ने लंच करवा दिया सबको। और डॉली जी हमारी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, देख लीजिए। ये टाइम वैसे उनके सोने का होता है, लेकिन ट्यूटोरियल उनको देना था तो देना है, वीडियो बनानी थी तो बनानी है जी, कोई बहाना नहीं। डॉली जी हमारी बहुत मेहनत करती हैं, नो डाउट। और बच्चों को हमने स्ट्रिक्टली मना किया है कि बहुत तेज तेज नहीं चिल्लाना, क्योंकि फिर वीडियो में ना आवाज़ आ जाती है। बेटा धीरे धीरे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी दिखाता हूँ डॉली जी क्या कर रही हैं आपको, तो लेके चलता हूँ, धीरे धीरे बात करूँगा मैं। फ्रेंड्स डॉली जी दे रही है मेकअप का ट्यूटोरियल, सारे काम खत्म करके अपना मेकअप का ट्यूटोरियल देने लग जाती हैं। बहुत मेहनत करती हैं हमारी डॉली जी। बहुत सारी गप्पे मैं आपके साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी फैमिली हो। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली के साथ मुझे टाइम बिता। फ्रेंड्स देखो हम शिमला के तरफ चल पड़े हैं। ये देखो जी रिद्धि सिद्धि ट्रेन की सवारी कर रही है, इन्होंने ट्रेन बनाई है लेकिन चला घोड़ा रही है। कहा तो नहीं था कि ट्रेन बेटे तो घोड़ा चला रही हो आप। ये देखो जी इन्होंने ऐसे सोफा कम बेड की हमारे बना दिए ट्रेन, पूरा दिन इसी तरीके से मस्ती करती रहती। बेटा एक ट्रेन है घोड़ा आपका, ये बताओ पहले तो मुझे है। अच्छा ट्रेन का नाम क्या है? चलो तो अच्छा ट्रेन जा कर रही है आपकी शिमला, शिमला जा रही है। का नाम भी रखा है। क्या रखा है? वो है? वो इसका नाम मुनिया। अच्छा मुनिया एक्सप्रेस। ये जी देखो मुनिया एक्सप्रेस है, ये दिल्ली टू शिमला जाएगी। तो ये देखो जी हमारी रिद्धि सिद्धि बैठ गई ट्रेन। अच्छा तुम में से ट्रेन का ड्राइवर कौन है? हम दोनों हैं। अच्छा दोनों ही हो? हम पायलट। अच्छा हाँ सही बात, भी ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट बोलते हैं। वाह जी वाह, गुड गुड गुड। हाँ बेटा मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने पायलट वो बोलने को नहीं बोला। हाँ हम ये बोल रहे हैं हम एरोप्लेन भी चलाते हैं। बेटा पहले ट्रेन तो चला रहे हो, ट्रेन को तो तुम घोड़ा बना के चला रही हो, एरोप्लेन को तुम पता नहीं गधा बना के चलाओगी। उसका एक बटन होता है उसको टच करेंगे तो एरोप्लेन यूनिकॉर्न बना दे। अच्छा हमने एरोप्लेन का भी नाम रखा है क्या? बंडी। बंडी ये जी इसका नाम हमने बंडी नाम। चलो जी अब मुनिया एक्सप्रेस चल पड़ी है दिल्ली से। दिल्ली से अब कौन सा स्टेशन आ गया है? स्टेशन कौन सा? अच्छा ये लुधियाना होते हुए जाएगी भी शिमला भाई, ये अम्बाला से नहीं इसका रूट बन रहा है। ये पहले दिल्ली से चल पड़ी है लुधियाना, लुधियाना इसका स्टॉपेज एक है, ठीक है। हाँ। और एक सवारी है, देखो जी ये सवारी जो है ये लुधियाना उतर जाएगी। मुझे लग रहा है इसके इनके चक्कर में तो नहीं लुधियाना रुकेगी ये? नहीं नहीं मैं तो लुधियाना रुक के जाऊंगी, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे आते समय ले ले। ये जी इन मैडम के चक्कर में ट्रेन वैसे दिल्ली टू सीधा ही कालका होते हुए शिमला जा रही थी, लेकिन इनके चक्कर में लुधियाना होते हुए जा रही है, आते समय ले लेना। और ये देखिए जी ये डर रहे हैं हमारे दोनों बच्चे अब। ये देखो और ट्रेन से उतरने का जुगाड़ देखो इनका, ट्रेन से उतरने का जुगाड़, ये घोड़े से जैसे उतरते हैं देखो, ये उतर गए ट्रेन से उतर गए। चलिए जी पहुंच गए शिमला।